टीकमगढ़ कलेक्टर की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें कलेक्टर ने अभी तक आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत सहायक ग्रेड 3 के बाबू को उसके पद से नहीं हटाया। इस बाबू पर विधवा महिला ने नौकरी का झांसा देकर पैसे लेने का आरोप लगाया था। महिला की मांग है कि बाबू से उसके पैसे वापस मिले और उसे नौकरी से हटाया जाए। ये मामला टीकमगढ़ का है, जहां आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत सहायक ग्रेड 3 विनीत श्रीवास्तव के खिलाफ विधवा महिला शिखा तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में शिखा ने कहा था कि विनीत ने उसे नौकरी का झांसा देकर 50,000 रुपये दिए। जब नौकरी विनीत ने नहीं लगवाई तो शिखा ने उसे अपने पैसे वापस मांगे। विनय ने पैसे तो नहीं दिए, उल्टा उसे धमकाने की कोशिश करने लगा और शिखा का गाड़ी से एक्सीडेंट कराकर मारने की कोशिश भी की। कलेक्टर के सामने भी विनीता ने पैसे लेने की बात कबूल की थी, जिस पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए उसका निलंबन कर दिया था। लेकिन इस मामले में काफी समय गुजर गया, विनय को ब्लैकमेलिंग के जुर्म में जेल पहुंचा दिया गया, लेकिन अभी तक विनीत को ना तो निलंबित किया गया है, ना ही शिखा के पैसे वापस दिलाए गए हैं। जब इस संबंध में कलेक्टर सुभाष द्विवेदी से मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। पीड़िता का आरोप है कि वह गंभीर रूप से बीमार रहती है और कुछ समय पूर्व भी उसके पति की हत्या कर दी गई है, इस वजह से वह और भी ज्यादा तनाव में है। अब देखना ये होगा कि कब तक शिखा को न्याय मिल पाता है। नौकरी के नाम पर विनीत श्रीवास्तव जनजातीय विभाग के वो बाबू है टीकमगढ़ में, तो उन्होंने हमसे नौकरी के नाम पर 5 लाख रुपए लिए थे, जो आज दिनांक तक वापस नहीं किए हैं। और हम सब जगह आवेदन दे चुके थे, 1/9/2022 से आवेदन है हमारे देहात थाना टीकमगढ़ में और SP ऑफिस टीकमगढ़ में, कलेक्टर सर के पास सब जगह पे आवेदन हुए हैं हमारे। आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही हमारे पैसे लिए थे उन्होंने उसके 5-6 महीने पहले, 1/9/2022 के 4-5-6 महीने पहले अप्रैल। सबूत वैसे लिखित में नहीं है, ट्रांसफर किए क्योंकि हमने ऐसे ही लिए थे, हमसे हैंड टू हैंड लिए थे हमने पैसे। तो जी पूरा मामला कलेक्टर सर के उसमें भी है, उनको पता है हमने, और कलेक्टर सर के सामने भी SP सर, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमें धमकाया गया। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।